तो यहाँ पे ये ट्रैक्टर भी लो गियर में बहुत बढ़िया वर्क करता है। यहाँ पे जो है एक नए ट्रैक्टर पर काम चल रहा है काफ़ी दिनों से, इसमें टू स्पीड जो है गेयरबॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। और हाँ जी दोस्तों, स्वागत है जी आज की हमारी एक और नई वीडियो में। तो कल की वीडियो में हमने टेस्टिंग की थी रूटावेटर की, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से टेस्टिंग हमने बीच में रोक दी थी। रूटावेटर को रिपेयर करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, तो इसलिए हम नेक्स्ट डे इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। तो फिलहाल हम जल्दी जल्दी इसकी टेस्टिंग करेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। और इसकी टेस्टिंग करने के बाद हमने जो एक नए ट्रैक्टर पर काम स्टार्ट किया है, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। फिलहाल इसकी टेस्टिंग करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे ट्रैक्टर पूरा पोजीशन में है, रूटावेटर को भी नीचे लगाया हुआ है, बस हमने जो है पावर सप्लाई ऑन करनी है और रूटावेटर की टेस्टिंग करनी है कि प्रॉपर रूटावेटर सही चल रहा है या जो कल वाली प्रॉब्लम है सेम वो प्रॉब्लम अभी भी आ रही है। तो अभी इसमें जो है हमने ऑन ऑफ स्विच नहीं लगाया, डायरेक्ट जो है प्लग करते ही रूटावेटर चलने लग जाता है। ठीक है, फिलहाल रूटावेटर यहाँ पर चल रहा है, तो अभी ट्रैक्टर को भी हम चलाते हैं और देखते हैं लिफ्ट नीचे करके। तो अभी तो रूटावेटर बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, जो कल प्रॉब्लम इसमें आ रही थी वो सेम प्रॉब्लम आज नहीं आ रही है। तो अभी एक दो बार और इसकी टेस्टिंग करते हैं, तो उसके बाद जो ट्रैक्टर हम सेटअप में ले जाएंगे, ठीक है। एक और टेस्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने रूटावेटर की टेस्टिंग कर ली है थोड़ी सी, तो आगे आने वाले टाइम में इसकी प्रॉपर वीडियो आएगी बहुत जल्दी। तो फिलहाल तो हमने टेस्टिंग करनी थी कि हमारा रूटावेटर जो है बिल्कुल सही वर्क कर रहा है या नहीं। तो अभी इसको बंद कर देते हैं, और ट्रैक्टर की जो ESC है वो भी बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है इससे, तो इसको भी ऑफ कर देते हैं। दोस्तों अभी रूटावेटर की टेस्टिंग तो हमने कर ली है, तो अभी ट्रैक्टर को हमारे सेटअप में लेके चलते हैं अंदर, और वहाँ पे जो नया ट्रैक्टर है वो भी आपको दिखाते हैं कि कौन सा ट्रैक्टर है और किस पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रैक्टर भी लो गियर में बहुत बढ़िया वर्क करता है। अब इसको हाई गियर में चलाते हैं। हाई गियर में ये नहीं चलेगा क्योंकि छोटी ESC है और बैटरी भी इसकी डाउन है। तो फिलहाल ऐसे ही ले जाते हैं इसको अंदर, ठीक है। अब इसको चलाएंगे जब इसकी नई ESC आ जाएगी 12 वोल्ट वाली, तो वो ESC इसमें फिट करके और उसके बाद ही इसको चलाएंगे हम, ठीक है। फिलहाल तो ये रूटावेटर की टेस्टिंग करनी थी वो हमने कर ली है, तो अभी ट्रैक्टर अंदर ले चलते हैं, और आगे बहुत जल्द जो है यहाँ पे हवेली में और वीडियोस शूट करेंगे। तो आगे आने वाले टाइम में मेरा प्लान है कि यहाँ पे जो है ट्रैक्टर के टोचन्स कराएंगे और प्रॉपर फेयर टोचन होंगे, ठीक है। दोनों ट्रैक्टरों का जो वेट है वो बराबर करके उसके बाद यहाँ पे टोचन करेंगे, ठीक है। वो भी वीडियोज़ बहुत जल्दी आ जाएंगी इसी चैनल पर, और उसके अलावा और भी हम वीडियो शूट करेंगे, ठीक है, टोचन्स की, ट्रैक्टर्स की। वो डेली के डेली जो है मैं कोशिश करूँगा कि डेली डेली आपको जो है इसी चैनल पर अलग अलग वीडियोस देखने को मिल जाएं, ठीक है। दोस्तों ट्रैक्टर हम अंदर ले आए थे अपने सेटअप में, अभी कुछ टाइम में मैं रूटावेटर को निकाल के, ठीक है, ट्रैक्टर को भी ऊपर रख दूंगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम तक भी इसका यूज़ नहीं होगा जब तक इसकी ESC नहीं आती। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो है एक नए ट्रैक्टर पर काम चल रहा है काफ़ी दिनों से, ठीक है, एक महीने से प्लस का टाइम हो चुका है इस पर काम करते हुए, और अभी मेरे को लग रहा है आगे भी एक महीने से ज़्यादा टाइम इस पर लग जाएगा, ठीक है। और ट्रैक्टर आप देख ही सकते हैं न्यू हॉलैंड का ट्रैक्टर है, और ये कंप्लीट जो ट्रैक्टर है ये 3D प्रिंट किया हुआ है, ठीक है। पहले 3D डिज़ाइन किया, उसके बाद जो है इसके सभी पार्ट्स जो हैं 3D प्रिंट हुए हैं, सिर्फ इसमें जो गेयर्स यूज़ किए हैं वो मेटल के गेयर हैं, ठीक है। उसके अलावा जितने भी इसके पार्ट्स हैं वो सारे जो है हमने 3D प्रिंट किए हैं, ठीक है। इसके फ्रंट वाले टायर हैं वो भी 3D प्रिंट किए हुए हैं, बैक साइड के टायर 3D प्रिंट है, और इसकी ये जो आप शो देख रहे हैं न्यू हॉलैंड की,
ये भी सारी जो है 3D प्रिंट की हुई है, उसके बाद जो है इसे पेंट किया गया है। और इसकी एक प्रॉपर वीडियो मैं अपलोड करूँगा जब ये कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसमें जो आपको डिटेल में सभी बातें पता चल जाएंगी कि इसमें कौन सा पार्ट कहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है, कैसे यूज़ किया है। और इसकी जो है खासियत ये है, नॉर्मल अपने जितने भी ट्रैक्टर हैं उनमें से इसमें कुछ ज़्यादा फंक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। अभी तक ये जो है इतना ट्रैक्टर हमारा रेडी हुआ है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अभी इसको जो है असेंबल करना है, इसकी वीडियो आगे शूट करनी है। ये जो पार्ट है इसका फ्रंट वाला जो हिस्सा है, इसे अभी असेंबल करना है, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। और इस पर जो है धीरे धीरे काम चल रहा है। और इसमें जो है एक मेन आप खासियत कह सकते हैं जो अपने दूसरे ट्रैक्टर्स में नहीं है, ठीक है, इस ट्रैक्टर में तो है लेकिन ये साइज़ में काफ़ी बड़ा है। लेकिन इस साइज़ की कैटेगरी के जो ट्रैक्टर हैं, ठीक है, हमारे पास और भी ट्रैक्टर हैं जैसे जॉन डियर है, ठीक है, सोनालिका है, स्वराज है, इन ट्रैक्टर के बारे में आगे डिटेल में आने वाले टाइम में मैं वीडियोज़ बनाऊँगा, ठीक है। फ़िलहाल जो आज की वीडियो में हम इस ट्रैक्टर की बात करते हैं और इसके बाद जो है ये वीडियो एंड करेंगे, ठीक है। और इस ट्रैक्टर में सबसे पहली खासियत ये है कि इसमें 2-speed जो है गियर बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। और ये पूरा गियर बॉक्स मैंने खुद तैयार किया है, ठीक है, इसका पूरा डिज़ाइन मेरा ओरिजिनल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सिंगल गियर है और इसे जो है इस तरीके से हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने इसकी स्पीड बढ़ानी है तो ये गियर ऊपर की तरफ हम शिफ्ट कर देंगे तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और अगर हमको स्पीड कम चाहिए, टॉर्क ज़्यादा चाहिए, पावर ज़्यादा चाहिए, तो इस गियर को हम जो है नीचे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। इस जगह पे जो हमारा ट्रैक्टर है वो पावर ज़्यादा लगाएगा और टॉर्क उसमें ज़्यादा होगा, स्पीड कम होगी, ठीक है। बाकी इसकी वर्किंग की वीडियो आगे आने वाले टाइम में मैं अपलोड करूँगा, ठीक है, उसमें जो आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा। और ये जो अब तक का हमारा पहला ट्रैक्टर है जिसमें जो है हम ब्रेक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इससे पहले किसी भी ट्रैक्टर में हमने जो है ब्रेक्स लगाने की कोशिश नहीं की थी। तो ये पहला ट्रैक्टर है, इस पर भी अभी काम करना है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट जो है मैंने स्टार्ट किया हुआ है लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। और जो है डिफरेंशियल इसमें हमने मेटल का यूज़ किया है। तो ये सभी पार्ट्स जो है कहाँ से मिलते हैं, ठीक है, इनका प्राइस क्या है, तो ये सब आपको इसकी मेकिंग की वीडियो में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जब मैं इसकी मेकिंग की वीडियो अपलोड करूँगा तो आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे दूँगा या आपको बता दूँगा कि जो इस ट्रैक्टर की मेकिंग की वीडियो हमने अपलोड कर दी है, ठीक है। तो अभी इस पर काम चल रहा है और जहाँ तक मुझे लगता है अभी 1 month और इस पर लग जाएगा, ठीक है, हो सकता है ज़्यादा टाइम भी लग जाए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रंट वाले जो टायर हैं वो इसमें हमने चौड़े डाले हुए हैं, ठीक है, इतने चौड़े टायर होंगे फ्रंट के। तो अभी काम चल रहा है इस पर, काफ़ी काम करना बाकी है। उसके अलावा हमारे पास और भी ट्रैक्टर के मॉडल हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉन डियर का 5310 है। और इसके अलावा और भी हमारे पास काफ़ी कलेक्शन है ट्रैक्टर मॉडल्स की, और इन सब के बारे में जो है मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और जो है सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और इस तरह की वीडियोस देखने को मिल जाएं। तो इसके अलावा यहाँ पे आप जीप भी देख सकते हैं, 4x4 जीप बनाई हुई है। वैसे तो इसकी वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूँ। आने वाले टाइम में हम इस जीप की एक और डिटेल में वीडियो लाएंगे, ठीक है, उसमें इसकी टेस्टिंग भी करेंगे। उसी के साथ जो हमारे दूसरे ट्रैक्टर हैं, यहाँ पे जॉन डियर है, सोनालिका, ठीक है, और भी काफ़ी हमारे पास ट्रैक्टर का कलेक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और इन सब के बारे में जो है हम डिटेल में बात करेंगे आगे आने वाली वीडियो में, ठीक है। तो आप कमेंट कर देना अगर आपको इन सभी ट्रैक्टर्स के ऊपर एक डिटेल में वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट आने वाली नई वीडियो में, ठीक है जी।